हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग एक साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पेंटम प्लस के ऊपर। तो उस समय मैं यूट्यूब पे नई नई थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी यूट्यूब के बारे में, या प्रोडक्ट को कैसे पेश करते हैं, कैसे उनके बारे में बताते हैं। तो जैसे मुझे उस टाइम समझ में आया था वैसे मैंने किया पेंटम प्लस। पेंटम प्लस के बारे में बता दूँ कि लोग उसे फेयरनेस क्रीम समझ के लगाते हैं, जबकि वो फेयरनेस क्रीम नहीं है, वो मेडिकेटेड क्रीम है। और कोई भी डॉक्टर आपको फेयरनेस क्रीम के लिए नहीं देगा, फेयरनेस के लिए कोई डॉक्टर आपको रिकमेंड नहीं करेगा। पेंडम प्लस एक मेडिकेटेड क्रीम है जिसको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और आपको मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो अब मैं बताती हूँ कि जब मैंने वो वीडियो बनाया था तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे थे उस टाइम में कि पेंडम प्लस से गोरे हो जाते हैं। मैं इतनी भी, मेरा डार्क कॉम्प्लेक्शन नहीं है, बट गोरे होने की चाहत सबको होती है, तो मुझे भी हुई। तो मैंने उस टाइम वो क्रीम खरीद के लगा ली थी, कुछ दिन 7 डेज मैंने यूज़ किया था। और उस 7 डेज में अब क्या परिणाम निकला मैं बताती हूँ। 7 डेज में मैं रोज रात को लगाती थी पेंडम प्लस, और 7 डेज में वो मेरी स्किन को सही में, वो मेरा कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करता गया। लेकिन मेरी स्किन और पतली होती गई। वो कॉम्प्लेक्शन तो वाइट हो रही थी, बट मेरी स्किन पतली हो रही थी, इसकी लेयर थिन हो रही थी। और 7 डेज के बाद मुझे ऐसा लगा, जब मैं थोड़ा सा भी ऐसे टच करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्किन एकदम पतली हो गई है। मतलब थोड़ा सा टच हुआ और मेरी स्किन छिल जाएगी, वैसी वाली फीलिंग होती थी। तो मैंने उसको लगाना छोड़ दिया। लगाने के 10 दिन बाद मेरा ये देखो फोरहेड, मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, जस्ट लिपस्टिक और काजल लगा के बैठी हूँ। और आप मेरा फोरहेड देख सकते हो, मेरे फोरहेड पर ये ब्लैकिश हैं, ये बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा। ये तो कुछ टाइम मैंने डॉक्टर की मेडिसिन भी ली, और डॉक्टर को दिखाया, स्किन के डॉक्टर को, फिर मेडिसिन ली, उसके बाद कुछ DIY करती हूँ, तो ये थोड़ी सी ठीक हो गया। बहुत टाइम लगा इसको ठीक होने में, अभी भी बहुत सारा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ कि मेरे साथ इसका क्या एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे इसका फ़ायदा नहीं हुआ। 7 डेज तो आपको ये खूबसूरत दिखाया, लेकिन जैसे ही मैंने इसको छोड़ा ना, वैसे ही मेरी ये हाल हुई थी। मतलब ये बहुत कलर, ये मेरा पूरा चेहरे का जो स्किन है, फेस का स्किन है, पूरा ऐसा लगता था वाइट, लेकिन एकदम थिन लेयर, अगर कोई टच करता ना तो भी वो स्किन बाहर आ जाती, ऐसा लेयर हुआ था। और फिर इस बार बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट्स किया, बहुत लोग बोलते हैं कि वो 5 साल से यूज़ करते हैं, कोई 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, उनके साथ उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप यूज़ करोगे तब तक तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे ही इस प्रोडक्ट को आप छोड़ोगे, नहीं लगाना चाहोगे, तब आपके एक्सपीरियंस को मैं पूछूंगी कि तब आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन से बता रही हूँ, पेंडम प्लस फेयरनेस क्रीम नहीं है, इसको फेयरनेस क्रीम समझ के मत लगाओ। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है जो आपके कटने छिलने, स्पैन, सूजन, किसी तरह का घाव, ये सब पे, पिंपल्स पे नहीं, घाव वगैरह पे लगा सकते हैं, और ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो इसमें बहुत सारे केमिकल, देखिए आपके लिए मैं फिर से न्यू ट्यूब मंगाई हूँ, और ये छोटा ही ट्यूब है। और इसकी प्राइस क्या है, अभी इसकी प्राइस 67 रुपीज़ ही है अभी मुझे जो ट्यूब मिला है। और ये कितना ग्राम का है ये भी बता देती हूँ, ये 15 ग्राम का प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 15 ग्राम का प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 67 रुपीज़ है अभी। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा नहीं रहा। इसमें यहाँ पर मेंशन है इसमें कितने सारे केमिकल मिक्स हैं, और मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं किसी को ये रेकमेंड करूँ। सभी बोलते हैं कमेंट्स, आप वो वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर देखोगे, सभी बोलते हैं, बहुत लोग इसके साथ अच्छा एक्सपीरियंस लेते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो कैसे ये प्रोडक्ट उनके ऊपर सूट की, क्योंकि ये कोई वाइटनिंग क्रीम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं देगा। अगर यूट्यूब पे कोई वाइटनिंग के लिए इसको सजेस्ट कर रहा है तो बिल्कुल मत सुनना। अगर आपको फिर भी यूज़ करना है इसको, तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना कि मैं इसको यूज़ करना
कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या नहीं। तो मैं ये 67 रुपीज मेरे बेकार के गए। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे केमिकल मेंशन हैं, और मैं बिल्कुल भी इसके लिए रेकमेंड नहीं करूँगी कि ये वाइटनिंग के लिए आप इसको यूज़ करें। दुनिया की कोई क्रीम आपको वाइट नहीं कर सकती है, आपका कॉम्प्लेक्शन को फेयर नहीं कर सकती है, बट वन टू शेड लाइटर कर सकती है। देख सकते हैं ये एरिया मेरा अलग ही दिखता है, और मेरी बिना मतलब कोई मेकअप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं, पता नहीं मेरा फ़ोन का शायद पिक्सल फट रहा है, फ़ोन अच्छी वीडियो नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है इसका पिक्सल फट रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं कभी भी इसको रिकमेंड नहीं करूंगी, और प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप लोग भी इसको मत लेना, मत मतलब फेयरनेस क्रीम के तौर पे इसको यूज़ मत करना, मत करना, मत करना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे ये क्रीम सही नहीं लगी एज अ फेयरनेस, और इसको लगाने के बाद ही मेरा फेयरनेस का जो भ्रम था ना टूट गया। दुनिया की कोई क्रीम आपको फेयर नहीं कर सकती है, बस आपके स्किन पे A1 2 शेड लाइटर जरूर कर सकती है। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, और बहुत सारा पानी पीजिए, अच्छा अपना CTM कीजिए, आपकी स्किन अच्छी होगी। बस इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि ये क्रीम को एज अ फेयरनेस क्रीम मत अपनाओ, मत अपनाओ। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल लाइक दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाइए। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।